हमारे दोस्त एंड लेजेंडरी स्टार एंड स्टार ऑफ द मिलेनियम इन ट्रू सेंस अमिताभ बच्चन को मैं सुन रहा था किसी टेलीविजन इंटरव्यू पे, और उनसे पूछा गया था कि व्हाट वुड यू एट्रिब्यूट योर सक्सेस टू, आपकी सफलता का राज क्या है, आप किसे इसका श्रेय देंगे? और अमिताभ बच्चन ने कहा एक शब्द में, मैं कहूंगा, और उन्होंने कहा लक, यानी एक्स फैक्टर, लक, पैशन। पैशन और लक का साथ मैंने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत कम लोगों में देखा है, और एकदम उन पे समा जाता है। जैसे एक तो अमिताभ बच्चन खुद हैं, और साथ ही साथ है यश चोपड़ा जी, जाहिर है आपने भी खुद देखा ये भी, उनके बारे में तो कहा जा सकता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वंस इन ए ब्लू मून, शायद कभी कभी ऐसी शख्सियत पैदा होती है। और हमारे बीच जो यश चोपड़ा जी रहे, पैशन और लक के साथ साथ, टैलेंट के साथ साथ, जो आज नहीं हैं लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में हैं, मार्गदर्शक बनकर, रोल मॉडल बनकर। और उसी तरह से हमारे अपने एनर्जी किंग, राइट फ्रॉम जीरो टू हीरो की कहानी को साकार करता हुआ, जिस तरह से शाहरुख खान ने, जिसे मैंने एनर्जी किंग कहा, शाहरुख खान ने जिस तरह से टैलेंट, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ साथ पैशन को जिस तरह समाकर उभारा है अपने आप को, वो अद्भुत है, वो कमाल है, बेमिसाल है। ये है शाहरुख खान।